मिसबा भाई, ये जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है, ये तो नेक्स्ट लेवल है ना। यानी आपने इतनी सेंचुरियां बनाई हैं, आपने दुनिया के बड़े बड़े, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि ये जो सुकून है कि एक माँ कह रही है कि मेरे बच्चे की जिंदगी बची और उसमें आपको मालूम है कि मेरा भी कहीं ना कहीं अल्लाह ताला के फजल किरदार, ये सेटिस्फेक्शन और ही अलग ही है ना, कुछ इसका कोई कंपैरिजन नहीं है ना। आप यकीन करें, आप किसी को छोटी सी चीज उठा के दे दें और उसके बाद जो वो शुक्रिया अदा करता है, उसका ही कोई नेमुल बदल नहीं है। अपने आपका करियर एक्सीलेंस की एक बड़ी अलामत है माशाल्लाह। लेकिन इस तरफ आने का एक बिल्कुल अलग 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 फील्ड्स की बात करें, क्रिकेट और वो अलग दुनिया, सो किस चीज़ ने इंस्पायर किया आपको कि आप PCHF का साथ दें और इनके साथ बतौर डायरेक्टर चलें? जी अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने हमें मौका दिया। देखिए बात वही है, कहीं ना कहीं से अल्लाह ही आपको जो है ना वो कहीं इन कामों की तरफ जोड़ते हैं। 2017 तक मैंने CHD के बारे में सुना ही नहीं था कभी। अच्छा, यानी कि बच्चों को कोई दिल का मसला हो, बच्चों को भी होता है ये, और हो, ये भी नहीं मालूम था, यही बहुत बड़ा मसला है बच्चों को भी, सही बात है। ये पाकिस्तान में यही सबसे बड़ा मसला है कि इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। जब तक कि फैमिली में ना हो जाए, किसी दोस्त किसी सराउंडिंग्स में ना हो जाए, तो अल्लाह ने मुझे क्योंकि इस तरफ लाना था, तो मेरे एक दोस्त की बेटी की पैदाइश हुई और उसको ये दिल का, उसके दिल में सुराख था। अच्छा, तो वो जो पीरियड था पहले 2 महीने के पता ही नहीं चल रहा, डायग्नोज नहीं हो रहा कि इसको है क्या, कभी इसको नमोनिया हो रहा है, कभी इसको सांस की तकलीफ हो रही है, डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं। और वो क्योंकि बहुत करीबी दोस्त था तो वो सारी चीज़ें मैंने खुद देखी भी, साथ भी गया हॉस्पिटल में। फिर अगला प्रोसेस के इसको अब ट्रीटमेंट कैसे होना है, जब पता चल गया सर्जन बड़े लिमिटेड हैं, लिमिटेड फैसिलिटीज़ हैं, उसमें मेरी मुलाकात जो है वो फरहान भाई से हुई। अल्लाह जब रास्ते बनाते हैं और लोगों की, उनकी हेल्प की इन्होंने, फिर मुझे चिल्ड्रन हॉस्पिटल में भी जाने का, भी तब वो सारा ये मामला हो चुका था, बच्ची का वाकया हो चुका था जी, उसी टाइम पे उसी प्रोसेस में। तो एक तो वो मैं खुद एक्सपीरियंस किया मैंने कि यार पाकिस्तान में अंदाज़ा करें कि हमारे पास एक भी कोई सेंटर नहीं है कि जो इसको ट्रीट कर रहे हैं, हमने इतना इसको निगलेक्टेड, जबकि एज अ पेरेंट आपकी दुनिया तो खत्म हो गई ना। अगर आपके बच्चे को ये हो गया है तो आपके लिए तो डजंट मैटर कि 24 करोड़ की आबादी है कि कितनी आबादी, आपकी दुनिया वहीं खत्म हो गई। तो आई थॉट कि यार ये तो बड़ी ज्यादती है कि मतलब है कोई होप नहीं है, तो हमें एटलीस्ट हमें कुछ ऐसा करना है पाकिस्तान में कि कोई भी बच्चा ऐसा हो, कोई भी फैमिली, कोई भी पेरेंट्स जो हैं वो इस तकलीफ से ना गुजरे, उनको पता हो यार कि अगर है कोई मसला नहीं, हम यहाँ जाएंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, और अंदाज़ा करें एक ऑपरेशन राइट टाइम पे अगर हो जाए तो दैट किड इज गुड टू गो फॉर द होल लाइफ। यानी सिर्फ टाइम पे चीजें हो जाए बिल्कुल, तो वो चाहे क्रिकेटर बने, फुटबॉल खेले, अच्छा। दुनिया किसी फील्ड में जाए, वो नॉर्मल लाइफ गुजारेगा और वो एक माशरे का जबरदस्त एक एक्टिव रुकन होगा, पार्ट होगा अपनी फैमिली के लिए, वो सारा कुछ कर सकता है। तो अंदाजा करेंगे इसके रिवॉर्ड्स कितने बड़े हैं। और ये मुसलमान भाई, ये तो बड़ी एक सिंबॉलिकल चीज है ना, दो चीजें मेरे ख्याल सुनने के बाद शायद पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती होगी वालिदैन की। एक तो ये खुदा ना खाफ्ता अगर बच्चे को कैंसर डायग्नोज हो जाए तो बस वालिदैन को लगता है कि दुनिया अंधेर हो गई उनकी, और दूसरा अगर बच्चे को दिल में सुराख है, तो ये मेरे ख्याल ये दो ऐसी चीजें हैं कि जिनके बाद उम्मीद भी खत्म हो जाती है, समझ में नहीं आता क्या करें। और उस सूरत हाल में अगर कोई इदारा ऐसा मौजूद ना हो कि जो आपकी रहनुमाई कर सके, जो आपको बता सके, जो बच्चे के इलाज, यानी मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि माशाल्लाह अच्छी आमदन होने के बावजूद, एक अच्छा सिलसिला होने के बावजूद भी अगर डायग्नोज करने में वक्त लगा, आप सोचिए जो उसमें थोड़ा सा ऐड करूँगा। देखें पूरी दुनिया में जहाँ 100 बच्चे पैदा होते हैं वहाँ एक बच्चा 100 में से इस मर्ज के साथ पैदा होता है। ये दुनिया में ओवरऑल रेशियो पाकिस्तान में शायद इससे ज़्यादा, अगर इसी एक को भी लें 100 में से, तो पाकिस्तान में हर साल 60,000 बच्चे इस मर्ज के साथ पैदा होते हैं, जिसमें से 1/3 20,000 नीड इमीडिएट सर्जरी इन फर्स्ट ईयर टू सेव देयर लाइफ। अगर पहले साल में उनकी सर्जरी इमीडिएट जो भी उसका इलाज है वो नहीं होगा तो बच्चे की जान जो है वो चली जाएगी। और हमारे पास कैपेसिटी कितनी है जरा गौर से सुने। अच्छा, 20,000 को फौरन बचाना है हमने, बचाना है हमने, 40,000 बाकी की हम बात नहीं करें, कैपेसिटी 4,000 की, आधी भी नहीं। थिंक अबाउट 16,000 जो पीछे रह जाते हैं, उनके माँ बाप की तकलीफ, उनके माँ बाप की, हर साल नंबर ज़्यादा बढ़ रहा है, 16,000 तो चले जाते हैं। फिर जो बाकी हैं जिनकी बाद में आपने ट्रीटमेंट करनी है, कुछ भी करना है, फिर वो एबनॉर्मल लाइफ है,
अगर वो उसको पता नहीं है, वो जितना सर्वाइव भी करते हैं तो वो एक्टिव नहीं है, वो कोई काम नहीं कर सकते। प्रॉपर केयर की जरूरत है ना, वो शायद नहीं हम। तो आई थिंक कि हमें दोनों चीज़ों पे काम करना है, तो हमने ट्रीट भी करना है, फिर हमने नंबर ऑफ सर्जन को बढ़ाना है, हमने अपनी जो ह्यूमन कैपिटल है इसको बढ़ाना है, पैरामेडिक स्टाफ है आपका इसमें। टारगेट नंबर्स में अगर बात करें, क्या है अभी रिस्ट्रक्चर कहाँ तक पहुँचा है, इसको कब तक कंप्लीट करना है, कहाँ लेके जाना है, इसके लिए कितनी रकम दरकार है, जरा नंबर्स में कुछ प्लीज। जी अभी तक हमारा 2 अरब और 40 करोड़ का डेफिसिट है, अगर आज के डॉलर के रेट को हम सामने रखें। और हदफ हमारा है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर के एंड तक हम इसको कंप्लीट कर लें, और अल्लाह के फजल से अभी भी कभी हमें ना किसी भी काम में पैसों की वजह से रुकावट नहीं आई। ये पाकिस्तानी इस मामले में तो कमाल है। आपको पता होगा लास्ट ईयर आपके प्रोग्राम पर आए थे तो अभी सिर्फ गड़ा था वो, तो अल्लाह के फजल से अभी एक ना बिल्डिंग बन गई है माशाल्लाह। तो इसमें हमारा इरादा है कि जी माइलस्टोन बेस चलेंगे, पहले हम फोकस कर रहे हैं इसका वेट वर्क कम्प्लीट हो जाए, अगले 2 महीने का हदफ है, फिर एक अगला हदफ है कि इसके ओपीडी का एक फ्लोर कंप्लीट कर लिया जाए, फिर पार्शियल इसको फिनिश करके इंशाल्लाह जो 30 बेडेड का काम शुरू हो जाए कम से कम, ताकि बच्चों का ना ट्रीटमेंट दे बाय डे। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अभी कह रहे हैं कि ये होगा, किया जाएगा, देखा जाएगा, नहीं, अभी ऑलरेडी जितने भी जो बच्चे भी पाकिस्तान हार्ट चिल्ड्रंस हार्ट फाउंडेशन पे आ रहे हैं, उनके इलाज के लिए इंतजाम किया जा रहा है, रिकमेंड किया जा रहा है, या जो भी उसके अखराजात मुकम्मल तौर पर इदारा ही उठा रहा है। बहन वही जिस तरह हम बात कर रहे हैं ना कि हम तो गुजरे भी हुए हैं, ज़ाहिर है बच्चों को जब वो कैनुला लगाने के लिए वो सिरिंज भी लगाते हैं ना तो भी दिल बाहर आता है, माँ बाप से शायद देखा नहीं जाता कि, तो आपकी हिम्मत को, आपकी वालिद की हिम्मत को भी सलाम है, ज़ाहिर आपने बहरहाल जद्दोजहद की और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं कि एक्टिव है और अल्लाह ने चाहा अपनी ज़िंदगी भरपूर जिएगा। वो क्या वक्त था जब आपको पता चला कि बच्चे के दिल का, मेरे रमज़ान किस तरह गुजरे मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि अब इसकी जो ये लास्ट हमने लेफ्ट शंट करा है, राइट इसका बंद हो चुका था, लेफ्ट शंट जो उन्होंने करा था उसकी कोई गारंटी नहीं थी। उन्होंने हमें पहले से माइंड हमारा प्रिपेयर कर दिया था कि इसकी ये ग्लैंड सर्जरी या रास्टेली उन्होंने हमें लिख के दी, ये सर्जरी होगी। तो मैंने बोला आप मुझे बताएं किस तरह से होगी, किस तरह पॉसिबल है, तो उन्होंने बोला ये यहाँ पे कराची में पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, जिना कार्डियो में ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये हो सके। फिर हमें किसी डॉक्टर के थ्रू पता चला कि ये PCHF वाले इदारे, क्या बात है, वहाँ तक हम पहुँचे हैं, वहाँ फिर हम गए, 3 विजिट हमारे हुए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा बेटा जिंदगी लेके बैठा है। क्या बात है भाई, जिंदा। मैं इनके इदारे का बहुत बहुत सब शुक्रिया अदा करती हूँ तहे दिल से कि अल्लाह जिस तरह मेरे बच्चे की जिंदगी बचाई, इन्होंने ऐसी लाखों जिंदगियां बचाने की इनके अंदर कुव्वत और हिम्मत अता फरमाई, आमीन इलाही आमीन। अब मिसबा भाई ये जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है ये तो नेक्स्ट लेवल है ना, यानी आपने इतनी सेंचुरियां बनाई हैं, आपने दुनिया के बड़े बड़े, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि ये जो सुकून है कि एक माँ कह रही है कि मेरे बच्चे की जिंदगी बची और उसमें आपको मालूम है कि मेरा भी कहीं ना कहीं अल्लाह ताला के फजल किरदार, ये सेटिस्फेक्शन और ही अलग ही है ना, कुछ इसका कोई कंपैरिजन नहीं है ना। आप यकीन करें, आप किसी को छोटी सी चीज़ उठा के दे दें और उसके बाद जो वो शुक्रिया अदा कर, उसका ही कोई नेमुल बदल नहीं है तो बहुत। और मेरे ख्याल में सारा ये टीम को भी और इनको क्रेडिट जाता है जिन्होंने ये स्टार्ट किया, हम तो इस काफले में शामिल हुए। हमें तो एक बनी बनाई चीज मिली है और अल्लाह ने हमें वो चीज दी है, तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना पूरा जोर लगा दें कि इसको फिर कुल आगे तक लेके जाएं। नहीं, आप हमें भी अपनी टीम का हिस्सा समझेंगे इंशाल्लाह।